एसजीसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अमरजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का जो वीडियो टॉपिक है वो है सेक्रोमाइसिस, वो है सेक्रोमाइसिस। ठीक है, आज हम सेक्रोमाइसिस की बात करेंगे। और सेक्रोमाइसिस को क्या कहते हैं? ईस्ट भी कहते हैं। सेक्रोमाइसिस को हम लोग ईस्ट भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सिस्टमैटिक पोजीशन की अगर हम बात करें, सिस्टमैटिक पोजीशन की अगर हम बात करें तो किंगडम क्या होगा इसका? किंगडम होगा इसका माइकोटा। किंगडम क्या होगा? माइकोटा। डिवीजन की बात करें, डिवीजन होगा इसका, डिवीजन होगा इसका यू माइकोटा, यू माइकोटा। ठीक है, डिवीजन क्या होगा? यू माइकोटा। सब डिवीजन क्या होगा? सब डिवीजन इसका होगा एस्को माइकोटीना। ठीक है, और क्लास हो जाएगा इसका हेमी एस्को हेमी एस्को माइसिटीज एस्को माइसिटीज। ठीक है, ऑर्डर हो जाएगा आपका इंडो माइसिटेल्स, इंडो माइसिटेल्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिस्टमैटिक पोजीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए हम तो बता चुके हैं सेक्रोमाइसिस को हम क्या कहते हैं? ईस्ट कहते हैं, ईस्ट कहते हैं। ठीक है, और जो रिपोर्टेड जो स्पीसीज है, रिपोर्टेड स्पीसीज जो है वो है 40। रिपोर्टेड स्पीसीज क्या है? 40 स्पीसीज है। ठीक है, और ये कैसे होते हैं? दे आर सेप्रोफिटिक, दे आर सेप्रो सेप्रो फिटिक, दे आर सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक आप लोग जानते होंगे ना, सेप्रोफिटिक क्या होते हैं? दे टेक सेप्रोफाइट विच ऑर्गेनिज्म निज्म डिराइव्ड देयर फूड मटेरियल, डिराइव्ड देयर फूड मटेरियल फ्रॉम द लिविंग, सॉरी लिविंग नहीं होगा, डेथ होगा। फ्रॉम द डेथ एंड डिकेइंग, डेथ एंड डिकेइंग मटेरियल या सबस्टेंस, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे हम लोग? सेप्रोफिटिक कहेंगे या सेप्रोफाइट। ठीक है, ये टर्म जरूर याद रखिएगा। इसी के अल्टरनेट में एक टर्म और आता है पैरासाइट। हम हर वीडियो में बता चुके हैं लगभग लगभग,
एक पैरासाइट है, तो पैरासाइट वर्ड जहां पे यूज होगा ना वहां पर क्या हो जाएगा, डेथ के जगह क्या हो जाएगा, लिविंग सेल हो जाएगा। लिविंग सेल्स अपना भोजन नहीं करेगा, अपना स्ट्रक्ट करेगा तो उसको पैरासाइट कहेंगे, और नॉन लिविंग सेल जब करेगा तो वो सेप्रोफाइट के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, दे आर यूबिक्यूटर्स, ये तो इसका स्टेटमेंट हो गया। यहां से नेक्स्ट यहां पर देखिए, दे आर ubiquitous मतलब कॉस्मोपोलिटन, दे आर कॉस्मोपोलिटन। ठीक है, ये दोनों वर्ड क्या है, समानांतर है, ubiquitous और कॉस्मोपोलिटन। ये यूज होते हैं कि ऐसे स्पीसीज वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, इसका हम एक ही सेंटेंस लिखेंगे, ऐसे हम लिख सकते हैं यहां पर वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, दैट मींस कॉस्मोपोलिटन कहिए या यूबिक्यूटर्स कहिए। ठीक है, अगर हम दूसरी बात करें, ये कहां अधिकतर कहां पाए जाते हैं, तो ये शुगर या ऑर्गेनिक रिच मैटर जो होगा उसमें ये ज्यादा पाए जाएंगे। ठीक है, यानी कि ऐसी मीडिया इन विच मीडिया कंटेन हाई अमाउंट ऑफ शुगर एंड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है, मतलब ऐसे सब्जियों में या ऐसे मीडिया, यहाँ मीडिया का हमने वर्ड यूज किया है, हमने एक वर्ड यूज किया है यहाँ पे मीडिया वो चीज़ होता है जिस पे कोई भी माइक्रो आइजम क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, कोई भी आइजम ग्रो करेंगे उसको मीडिया बोलते हैं। जैसे कि आप घरों में क्या बनाते होंगे, चावल बनाते होंगे ना, घरों में चावल पकाते होंगे या पकते हुए देखे होंगे, तो जो चावल होता है ना, चावल में माड़ निकलता है, चावल में माड़, जब थोड़ा चावल पक जाएगा ना तो वो जो एक सबस्टेंस होगा वाइट कलर का निकलेगा, बदकता जो है वो माड़ होता है। उसमें क्या होता है ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, और उसको भी हम क्या कर सकते हैं, एज ए मीडिया यूज कर सकते हैं। हम लोग प्रैक्टिकल में भी इसका मीडिया यूज करके हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिकल किए हुए हैं, तो मीडिया समझ लीजिए कि भोजन जिस पे वो आसानी से ग्रो कर जाए वो मीडिया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, दूसरी चीज ईस्ट की बात चल रही है, तो भाई ईस्ट की बात चल रही है और हम लोग इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट की बात ना करें तो ये तो ईस्ट के साथ नाइंसाफी हो जाएगा। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिखेंगे ईस्ट, दैट मीन सैक्रोमाइसिस आर ऑफ कंसिडरेबल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, दिस इज कॉमनली नोन एज known as
कॉमनली नोन एज बेकर्स ईस्ट। थोड़ा दूसरे कलर से लिख दें, हमको ये प्यारा है, बेकर्स ईस्ट। ठीक है, इसको हम बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं, या अथवा ब्रीवर ईस्ट। जितना एल्कोहलिक सबस्टेंस बनाए जाते हैं, वो एल्कोहलिक सबस्टेंस कह लीजिए, और उसमें डोसा कह लीजिए, आप लोग खाते होंगे, पाव रोटी आप लोग खाते होंगे, जो फूलता है बीच बीच में, जो फूल जाता है वो ज़्यादा, मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है ना बीच में, इसलिए फूल जाता है, तो वो यही डाल करके उसमें क्या किया जाता है, उसको सड़ाया जाता है कि कार्बन की मात्रा अधिक हो जाए, बीच बीच में कार्बन की मात्रा अधिक होती है इसलिए वो फूल जाता है। सामान्य रोटी पकाएंगे तो उसमें गैस नहीं हो पाता, मतलब CO2 भर नहीं पाएगा ना, इसलिए फूल नहीं पाता, तो वहाँ पे कार्बन अधिक हो जाता है इसलिए फूल जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, प्रोटीनियस सबस्टेंस भी उसमें होते हैं, इसमें प्रोटीन भी पाए जाते हैं, प्रोटीन भी पाए जाते हैं भाई साहब, विटामिन भी होता है इसमें, विटामिन्स भी होता है इसमें, ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, एक स्पीसीज है सैक्रोमाइसिस सिरेविस, इससे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं क्या, एंजाइम एक्सट्रैक्शन के काम आता है, एंजाइम निकाला जाता है। ठीक है, इसको फूड वूड में यूज करते हैं। चलिए, अगर हम इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो ये है आपका ईस्ट। ठीक है, ईस्ट है बाहरी, ये जो ब्लू कलर में जो हम रंग ही दिए हैं उसको हम बोलेंगे सेल वाल। चलिए हम पूरा बना लेते हैं तब आपको समझाते हैं। ये हो गया न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया आपका क्रोमेटिन नेटवर्क, बना लीजिए यहाँ से इस तरह क्रोमेटिन नेटवर्क बना लीजिए। ठीक है, और बीच बीच में ऐसे 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 बीच बीच में बना लीजिए। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं, इसी में सेंट्रियोल है ना, सेंट्रियोल भी पाया जाता है, और हाँ इसमें देखिए वेलोटाइन ग्रेनुअल्स, कौन सा कलर ये, चलिए इस तरह से, ठीक, चलिए लेबलिंग कर लिया जाए। तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोलस। ठीक है, क्रोमेटिन फाइबर ये हो जाएगा आपका
ये हो जाएगा आपका वैल्यूटिन ग्रेन, वैल्यूटिन ग्रेन, ठीक है, वैल्यूटिन ग्रेन हो जाएगा। और जो ये मैं डार्क वायलेट कलर का बना है, ये हो जाएगा ऑयल, ऑयल ग्लोब्यूल, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर है सैक्रोमाइसिस का। हम दो तीन पॉइंट जरा हम क्लियर करना चाहते हैं। पहली बात देखिए, पूरे फंजाई में जो ये फंजाई हम पढ़ रहे हैं सैक्रोमाइसिस, पूरे फंजाई में जो फंजाई होता है ये यूनिसेलुलर होता है ना, ध्यान दीजिएगा, यूनिसेलुलर होता है, ठीक। इसके पहले जितना भी पढ़ेंगे आप ना, सब मल्टीसेलुलर होता है, सारा मल्टीसेलुलर होता है। यह यही केवल ऐसा होता है जो यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। अब कहेंगे गुरुजी यूनिसेलुलर होता है, लेकिन कहेंगे तो आप चैन के फॉर्म में पाया जाता है। हाँ बेटा, चैन के फॉर्म में भी पाया जाता है। देखो कैसे पाया जाता है, अब यही हम बना दिए ना ऐसे, देखो इस तरह से, ऐसे चैन के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। ऐसे चैन के फॉर्म में पाया जाता है, ओके। इसको ना बाबू, इसको हम कहते हैं स्यूडो, क्या कहते हैं, स्यूडो माइसेलियम। ध्यान देना, स्यूडो माइसेलियम, दे लुक लाइक अ माइसेलियम बट दे आर नॉट ट्रू अ माइसेलियम, बिकॉज दे आर यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर बट फाउंड इन द चैन, फाउंड इन द फॉर्म ऑफ चैन। सो दिस चैन लुक लाइक अ माइसेलियम बट नॉट अ ट्रू माइसेलियम, दिस इज सिंगल सेल स्ट्रक्चर, दिस इज सिंगल सेल स्ट्रक्चर, दिस इज सिंगल सेल स्ट्रक्चर, बट दे आर फाउंड इन चैन फॉर्म। सो यू कैन से माइसेलियम, सर ये तो माइसेलियम की तरह दिख रहा है, बट नॉट अ ट्रू माइसेलियम, दिस इज सूडो माइसेलियम, ठीक है। चलो आगे हम पढ़ेंगे। सूडो माइसेलियम की बात कर सकते हैं, यूनिसेलुलर, नोट कहीं कर लो, कहीं नोट कर लो, तुम लोग तो आलसी हो, तुम लोग नोट नहीं कर रहे होगे, हमको पता है। चलो हम नोट करा दे रहे हैं, यहीं पर हरियर से लिख दे रहे हैं, हरियर समझते हो ना। इट इज यूनिसेलुलर, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दे आर फाउंड इन द चैन फॉर्म, चैन फॉर्म, सो इट लुक लाइक एज अ माइसेलियम बट दे आर नॉट अ माइसेलियम, दिस टाइप ऑफ माइसेलियम इज कॉल्ड Pseudomycelium, ठीक है। इसको हम Pseudomycelium कहते हैं, क्यों कहते हैं हमने आपको बता दिया। चलिए बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इसमें होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अगर हम बात करें, पहला बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का,
तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो होता है बाय बडिंग, बाय बडिंग। दूसरा होता है बाय फ्यूजन, बाय फ्यूजन। तीसरा होता है इंडोस्पोर, बाय इंडो स्पोर फॉर्मेशन। एंड हाँ बस इतना ही पढ़ी, इतना ही इंडोस्पोर फॉर्मेशन तक। अब एक एक चीज़ देख लीजिए, हम ये सब चीज़ आप लोग पढ़े हुए हैं। आप देख लीजिए बाय बडिंग, बडिंग मतलब क्या होगा, किसी भी सेल में क्या होगा, आउटर ग्रोथ हो रहा है, आउटर ग्रोथ हो जाएगा। आउटर ग्रोथ हो जाएगा तो वो आउटर ग्रोथ कहीं से जा करके क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, टूट गया और जाकर दूसरे जगह डिटैच हो गया तो बाय बडिंग हो गया। फ्यूजन हो गया, फ्यूजन समझते हैं, एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाए। नॉट माइटोसिस मियासिस, यहाँ मियासिस माइटोसिस डिवीजन की बात नहीं चल रही है, ध्यान देना तुम लोग। यहाँ पर जो बात हो रही है फ्यूजन की, दैट मीन्स कि मैंने एक सेल बनाया, एक सेल में क्या होगा, डिवीजन ऐसे डिवाइड हो गया, बीच से ही डिवाइड हो गया, चाहे वर्टिकल डिवीजन हो जाए चाहे हॉरिजॉन्टल डिवीजन हो जाए, तो दो भागों में डिवाइड होगा। अब दोनों दो अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, वो फ्यूजन हो जाएगा। इंडोस्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, जब जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है, मतलब ड्रॉट कंडीशन जब आता है ना, तो उसमें क्या होता है, ये जो सिंगल सेल का होता है ना, तो अपने ऊपर एक थिक वाल का फॉर्मेशन कर लेता है। और जो थिक वाल का जब फॉर्मेशन कर लेता है, उसी को हम बोलते हैं इंडोस्पोर। इंडोस्पोर कोई बहुत बड़ा कुछ पहाड़ नहीं है, इंडोस्पोर, इंडोस्पोर क्या, थिक वाल का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक, उसी को इंडोस्पोर कहते हैं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, बात कर लेते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एट द टाइम ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन, एट द टाइम ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, यह इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अभी हमने बनाया जब ड्रॉट कंडीशन आया तो उसको अनफेवरेबल कंडीशन है, ठीक है। चलिए दूसरी चीज अगर हम बात करें अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, ड्रॉट कंडीशन है तो फूड सप्लाई भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, फूड सप्लाई भी क्या होगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेक्स ऑर्गेन मुझे कौन है, सेक्स ऑर्गेन आर कंप्लीटली अब्सेंट, कंप्लीटली क्या होता है, अब्सेंट होता है, ठीक है, कंप्लीटली अब्सेंट होता है। लेकिन लेकिन यहां पर कह रहा है कि सेक्स ऑर्गन अब्सेंट है, सेक्स ऑर्गन अब्सेंट है, तो आप कहेंगे गुरुजी आप तो हमको मूर्ख बना रहे हो भाई, कह रहे हो कि सेक्स ऑर्गन अब्सेंट है और ऊपर से कह रहे हो कि सेक्स रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो नाइंसाफी हो रही है। तो यहां पर बच्चा लोग जानो, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ जीनेटिक मटेरियल, ध्यान देना बात को मेरे, एक्सचेंज ऑफ जीनेटिक मटेरियल, ठीक है। जैसे बैक्टीरियम होता है ना, एक्सचेंज होता है जीनेटिक मटेरियल का, उसमें तो आप लोग पढ़े हो ना, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर नॉट फाउंड, सेक्स उस जीनेटिक जो मटेरियल होते हैं उन्हीं का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर भी जीनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जा रहा है। अब हो कैसे रहा, जरा ये ध्यान दो, हो कैसे रहा है, ये एक कोई सोमैटिक हाइफी, सोमैटिक सेल है, हाइफी तो हम बोलेंगे नहीं भाई,
बिकॉज कि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, सिंगल सेल है, सोमैटिक है, मतलब सेक्स ऑर्गन हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कन्फर्टाइल, ये दूसरा कुछ है ना। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें दोनों में फ्यूजन हो जाएगा, दोनों फ्यूजन हो जाएगा तो एक और बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पर, टू एन टाइप। यहाँ देखो ध्यान से, यही एन टाइप दैट मीन्स हैप्लॉइड, क्या हो सकता है, हैप्लॉइड है, ये भी एन टाइप है दैट मीन्स हैप्लॉइड है, ठीक है, हैप्लॉइड हैप्लॉइड है, बट ये टू टाइप टू एन है, ये क्या है, टू एन है, मतलब डिप्लॉइड हो गया भाई, डिप्लॉइड में क्या हो जाएगा, मियासिस डिवीजन, डिप्लॉइड सेल में मियासिस डिवीजन होगा तो चार सेल बनेगा, चारों की संख्या क्या होगा, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम बने, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनेगा ना, अरे कहा कलर नहीं चूज कर रहा है, चले ठीक है, चले लग रहा हैंग कर गया है, ठीक है, तो ये टू एन हो गया, तो ये हाफ नंबर ये बन गया, हाफ ये बन गया, मतलब जैसे लाइफ स्टार्ट हुई थी वैसे लाइफ एंड भी हो गई, फिर लाइफ नई जो बनी है इस तरह से, फिर ये नया सेल बना करके ये पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आज की वीडियो में, हमने पूरा सेक्रोमाइसिस का पूरा पार्ट कंप्लीट कर दिया है, इसको आप लोग देखिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक इसको शेयर करेंगे तो जितना शेयर होगा उतने ही क्या होता है ना कि इसके व्यूअर बढ़ेंगे, और हमको वीडियो जब व्यूअर अधिक होते हैं ना तो वीडियो बनाने का मन करता है, मन करता है, दैट मीन्स कि अच्छा लगता है कि हमारे व्यूअर हैं, हमारे वीडियो कितने लोग लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए, और वीडियो देखने के लिए बोलेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है, आज की बस इतना ही, थैंक यू।